बात है, भोई घोड़ा जो सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, फायर एक्सीडेंट। हम तमाम के आंख में आंसू आ गए जब हमें पता चला। फायर एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, हमारा फायर डिपार्टमेंट तो जगह जगह काम करते रहता, मगर ऐसा एक्सीडेंट हमारे को देखने के बाद बहुत दुख हुआ है, क्योंकि 11 लोगों की जान चले गई जरी सी गलती की वजह से। गलती क्या है, लोग वहीं पर सो रहे थे, अगर वहाँ नहीं सोते लोग तो है पूरे के पूरे बच जाते थे, माली नुकसान होता था। हम इसलिए आज मीटिंग बुलाएगी खासतौर से हमारे GHM कमिश्नर साहब को, DG साहब को, हमारे कमिश्नर्स को, और हमारे होम डिपार्टमेंट होम सेक्रेटरी साहब भी और फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार भी यहाँ मौजूद थे। काफ़ी डिस्कशन चला कि आइंदा ऐसा वाक़ा ना हो। वाक़े से यकीनन हमको बहुत दुख हुआ है। CM साहब भी सुबह उठते ही सबसे पहले इसके बारे में क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं, और उनके लिए एग्जीक्यूटिव साहब भी, CM साहब ने 5 लाख रुपये का सैंक्शन किया। मगर हमारे को इंसान की जान सबसे ज़्यादा अजीज़ है, पैसा तो किसी के काम आता है मगर जान बड़ी अहमियत की होती है। आइंदा ऐसा वाक़ा ना हो इसके लिए हम तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बुलाएं, और हमारे GHM से कमिश्नर साहब ने हैदराबाद में सराउंडिंग में यहाँ सिटी के अंदर जितने इस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद से कोई ऐसा नया गोडाउन चालू नहीं हुआ है, उसे कभी चालू करने नहीं दिए, मगर बरसों से कर रहे हैं। लोग कोर्ट को जाते हैं, कुछ ऑर्डर ला लेते हैं, तो उसके लिए हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि ऐसे गोडाउन जहाँ आजू बाजू आबादी हो, और ख़ास तौर से जो प्लास्टिक के गोडाउन बिजनेस करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रोडों से उठा कर लाते हैं, तो उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि जो आपका लेबर है उनके लिए किसी तरह से भी कुकिंग वहाँ नहीं करना चाहिए आपके गोडाउन में। दूसरा, आपके जो स्टाफ को है वो वहाँ पर सोने के लिए नई जगह प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, दूसरी जगह करना चाहिए। इसके बारे में सख्त इकदाम लिया जाएगा, अगर कोई ऐसी गलती करेगी तो हम ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हम यही चाहते कि एक बार हमें ऐसा हादसा होगा जिसकी हमें बहुत दुख है, हमको नहीं सारे तेलंगाना के आवाम को दुख है, सारे हिंदुस्तान के आवाम को दुख है, क्योंकि हमारे भाइयों की जान हम अपनी जान के बराबर समझते हैं, उससे भी ज़्यादा अजीज समझते हैं। मगर आइंदा ऐसा वाक़ा ना हो इसलिए हमारे तमाम ऑफिसर्स मिल बैठ बैठे हैं, और आगे ही हम इसकी हिकमत अमली बनवाएंगे ताकि इसको रोकने के लिए, अगर शहर में जहाँ पर अगर या इस टाइप के कारोबार किए जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें शहर से बाहर कर दिया जाएगा इमीडिएट। और उसके बाद बाहर होने के बावजूद भी उनके ऊपर जो कानूनी जो ज़रूरी चीज़ें वो नाफिज की जाएगी। हम यही गुजारिश करते हैं तमाम इस टाइप के बिजनेस करने वालों का कि आप सब दे सकते हैं, तनख्वाह दे सकते हैं, किसी की जान गई तो जान नहीं दे सकते। तो उनके लिए जो आपके पास खासतौर से अदर स्टेट का लेबर आता है, तो लेबर को अकोमोडेशन वहाँ नहीं देना चाहिए, अगर वहाँ पे देंगे तो हमारे तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, पेनल्टी दी जाएगी और सील भी डाला जाएगा। बाजू में कहीं आप साफ सुथरी जगह में वहीं पकवान कीजिए, वहीं खाइए, यहाँ दिन का टाइम आकर काम करके जाइए। अगर ये दिन का टाइम होता तो कोई मौत वाकई नहीं होती थी, रात का टाइम होने से वो नींद में सो रहे थे, धुएं की वजह से उनका दम घुट गया और आग लग गई। एक आदमी जो दुबला पतला बच्चा था वो तनबी में से बीच में से जंप करते हुए बच के निकल गया, मगर हमको बहुत अफसोस है। आने वाले वक्त के लिए बहुत इसका प्रिकॉशन लेंगे, और हमारे CM साहब भी बहुत गमजदा है, नाराज़ भी, ऐसा किस तरह हो गया, आइंदा ऐसा वाक़ा ना होने के लिए अच्छे से प्लान बनाइए ताकि ऐसा किसी किस्म का कहीं पर भी नेक्स्ट टाइम पे ऐसा वाक़ा ना होना, क्योंकि समर में ही एक्सीडेंट बहुत होते हैं, फायर एक्सीडेंट जो होते हैं ज़्यादातर समर में होते हैं। और ऐसे गोडाउनों में मैं खुद वहाँ देखा हूँ, बहुत भरा हुआ था अल्मोनियम प्लास्टिक, पूरा जो वायर जो प्लास्टिक वायर थे वायर पे भी प्लास्टिक चढ़ा होता है, वो प्लास्टिक की वजह से उन लोगों का दम घुट गया, बाद में आग में जल गया। तो इसलिए हम बहुत दुख का इजहार करते हैं, हम सारे बिहारी भाइयों से भी हम माजरत चाहते हैं, और उनका उनकी तकलीफें हम भी उनके साथ बराबर शरीक है, और आइंदा हमारे स्टेट में ऐसा ना होने के लिए हम तमाम ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग भी ली गई, और ऑफिसर्स हमारे हर डिपार्टमेंट के जिम्मेदारी से काम करते हैं, उनकी हम गुजारिश की है उनसे कि आप फिर एक बार अच्छी तरीके से तहकीकात करते हुए ऐसे काम करने वालों पर जो शहर के अंदर है उन्हें दूर हटाया जाए, और जहाँ पर भी इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है उन पर एक्शन लिया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़ ना। थैंक यू। इसके बाद हमारे DG साहब यहाँ पर है, हमने कहा जहाँ जहाँ भी ऐसे फैक्ट्रीज है उन्हें फौरन इंस्पेक्शन किया जाए, और जो रूल्स है आपको बता दिया जाए, और रूल्स को ना फॉलो करें तो डेफिनेट उनका फायर लाइसेंस कैंसिल किया जाए, जरूर करें।